नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हीरा योगी। जान तो गए होंगे और पहचान भी गए होंगे। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? मुझे आपकी हेल्थ की रहती है बहुत चिंता, और उससे पहले रहती है आपकी चिंता कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और संपन्न यानी समृद्धि भी आपके पास बनी रहे। दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक है, बड़ा कॉमन है और बहुत पाया जाता है इंडियंस मेल में भी और इंडियंस फीमेल में भी। और क्या है वो? मेरे पास एक क्वेश्चन, क्या है वो क्वेश्चन सोचिए। क्या आपको कभी घबराहट होती है? क्या आपका जी मचलाता है? क्या आपकी गर्दन के आगे या पीछे दर्द होता है? थोड़ा समझ आया? चलिए मैं बताता हूँ, खुशी खुशी कुछ अच्छी चीज़ हो जाए तो बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि सर मुझे हाई बीपी की समस्या है, मुझे बहुत हाई बीपी रहता है, उसके लिए मैं क्या करूं? अब दोस्तों हाई बीपी है उसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। साथ ही बोला ये मेरे पापा को भी है और ये मेरी मम्मी को भी है। हाँ चलिए अब समझते हैं हाई बीपी है क्या। हाई ब्लड प्रेशर, इसके क्या होते हैं सिम्टम्स और उसके उससे वजह से क्या क्या होती है प्रॉब्लम्स, बस यही तो जानना है। हाँ जी, पहला काम, जब आपके सर में दर्द आगे हो या सर में पीछे हो या आपका पेट खराब हो, आंखों में दर्द हो, आपकी श्वास से कठिनाइयों से अंदर बाहर जा रही हो, ये सिम्टम्स बता रहा हूँ इस तरीके की हाई बीपी के सिम्टम्स हैं, और आपकी आंखों में थोड़ा जलन हो, ठीक है। एक और होता है, आपको ज़्यादा घबराहट हो रही हो, ज़्यादा एंजाइटी हो रही हो, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। ये तो लक्षण हो गए हाई बीपी के, अब इसको ख़त्म भी तो करना है। देखो जिसको हाई बीपी की समस्या है और ये आमतौर पर 30 आजकल तो 23 साल से चालू हो गए, 55 तक रहती है, आपको एक छोटा सा काम करना है हाई बीपी की समस्या को ख़त्म करने के लिए। क्या? नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी है कोई समस्या? क्या आपको चाहिए समाधान? तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, और इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। काम करने बता दूं, पहला काम, आप लोग हरी घास होती है, पीली तो नहीं होती ना, हरी घास पे चल रहे हैं। जितना आप हरी घास पे चलोगे नंगे पैर, आपका हाई बीपी रहेगा कंट्रोल। सेकंड, दूसरी बात भी बोलता देता हूँ, जब हाई बीपी कंट्रोल होने के लिए एक काम हो गया, दूसरा काम आपको अपने खाने में पोटेशियम की मात्रा बढ़ानी होगी। अब पोटेशियम पाया कहाँ जाता है जी? पोटेशियम पाया जाता है आपके केले में, पोटेशियम पाया जाता है आपकी मूंगफली के अंदर में जो नट्स होते हैं, काजू किशमिश जो आप खाते हो, पोटेशियम पाया जाता है आपके संतरे में। ऐसी ऐसी सब्जियों फलों का आप सेवन करो, पोटेशियम पूरा हो जाएगा तो हाई बीपी कंट्रोल में रहेगा। एक और, जब हाई बीपी बढ़ जाता है तो आप लोगों को नमक का सेवन करना होगा कम, और नींबू पानी पीना हो ज़्यादा, और आपको आंवले का रस पीना होगा ज़्यादा, ये चाय और कॉफ़ी को करना होगा अवॉइड, अल्कोहल को करना होगा अवॉइड, नॉनवेज को करना होगा अवॉइड। अब देख लो कर सकते हो तो। हाई बीपी अगर एक्चुअल में ख़त्म करना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको करना होगा ये काम, वरना नहीं तो आप अपने घर, मैं अपने घर, समस्या रहेगी। लेकिन अगर आप ये फॉलो करोगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, आपका हाई बीपी की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाएगी खत्म। बस वीडियो को देता हूँ विराम, आप खुश रहें, हैप्पी रहें, ईश्वर से मेरी यही कामना है। प्रभु आपको सुंदर, स्वस्थ, सुखी रखे बस, और मुस्कुराते रहें। हैव अ गुड डे, प्रणाम।